हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कुंभ लग्न के कुंडली के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं आज कई दिनों से। तो कल के एपिसोड में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बतलाया था शनि शुक्र की युति के विषय में, गुरु के और शनि से संबंधित योगों के विषय में मैंने चर्चा की थी। आज फिर वापस हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए और भी विस्तृत चर्चाएं करेंगे। तो उसके पहले निवेदन करूं कि प्लीज लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज SSS एंड एस्ट्रो क्लासेस HSTROCLASSES, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, एंड youtube.com/BalajiVedVidyalay ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करें एंड विजिट माई ब्लॉग एंड माई वेबसाइट, है ना। तो चलिए आज हम अपने कुंभ लग्न के कुंडली की ओर चलते हैं। मित्रों, कुंभ लग्न की अगर आपकी कुंडली हो और शनि और शुक्र ये दोनों 11वें भाव में बैठे हो, जैसा कि कल मैंने बतलाया था, तो शुक्र की दशा जो होती है अत्यंत ही मंगलमय एवं धनदायक इस कुंडली में होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर इस कुंडली में चंद्रमा निर्मल हो तो आयु को कम करता है, ठीक है। छठे घर का मालिक होता है चंद्रमा, और ये चंद्रमा जो है आयु को क्षीण करता है अगर अत्यंत निर्मल और बेहतरीन ग्रह है। पूर्णिमा का चांद सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर माना जाता है। तो ऐसा चंद्र अगर इस कुंडली में हो तो निश्चित रूप से जातक को उसकी आयु को कम कर देता है। अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा हो यहाँ पे वृषभ राशि के ऊपर, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सद्विचारवान एवं शत्रुओं से भी प्रेम करने वाले होते हैं। अगर सेवेंथ होम में सूर्य, तो उसकी स्त्री जो होती है, सूर्य की उपस्थिति जो सेवेंथ होम में स्वराशिष्ट सूर्य की उपस्थिति, यानी यहाँ पे सूर्य जो होता है अपने घर में हो जाता है, स्वराशि का हो जाता है, तो ऐसे में इस जातक की जो पत्नी होती है वो साहसी लड़ाकू एवं दृढ़ विचारों वाली होती है, ठीक है। यदि सूर्य यहाँ नाइन्थ होम में तुला राशि के ऊपर बैठा हो तो इस जातक की पत्नी जो होती है वो अल्पायु हो जाती है। तीसरे घर में अगर सूर्य बैठा हो यहाँ मेष राशि के ऊपर, तो ऐसा सूर्य है ना व्यक्ति को निश्चय ही उच्च विचारवान एवं उच्च पद प्राप्त अधिकारी बना देता है। मेष राशि में बैठा हुआ सूर्य है ना उच्च हो जाता है ना मेष राशि में सूर्य। तो मित्रों, अगर दूसरे घर में बुध हो सेकंड भाव में यहाँ पे, तो व्यक्ति जन्म स्थान से दूर रहता है तथा संतान की ओर से उसको विशेष दुख प्राप्त होता है, यानी कि संतान सुख संतान के तरफ से उसके जीवन में सुख नहीं होता है। दशम भाव में यदि शनि बैठा हो वृश्चिक राशि के ऊपर, तो ऐसा अकेला शनि ही व्यक्ति को करोड़पति बनाने में समर्थ होता है, और इस विषय में कोई संशय नहीं है। उसका कारण यह है कि लग्नेश अगर 10th भाव में शनि जैसा कोई मजबूत ग्रह हो तो निश्चित रूप से इस प्रकार के सुफल जातक को देता ही है। मित्रों, अब रही बात इस कुंभ लग्न की कुंडली में, तो हम अपने आने वाले अगले नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में, सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतरदशा, चंद्रमा की मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र, इन सभी ग्रहों की अंतरदशा कैसी रहेगी, किस ग्रह की अंतरदशा में किस ग्रह की महादशा में कौन से ग्रह की अंतरदशा आए, तो किस प्रकार का सूर्य अशुभ फल देती है, इस विषय में हम विस्तृत चर्चाएं करेंगे। एक एक करके विस्तृत आप लोगों को समझ में आ जाए इस तरह का वीडियो बनाएंगे, इस तरह की चर्चा करेंगे। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन करो कि सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर
मोर एंड न्यू अपडेट वीडियोज, है ना। आप एस्ट्रो क्लासेस अगर यहाँ सर्च बॉक्स में लिखेंगे और सर्च करेंगे तो मेरा चैनल देखिए ये आ गया, है ना। और इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आप, मेरा चैनल जो है वो खुल जाएगा एस्ट्रो क्लासेस, ठीक है। या फिर यहाँ URL में लिखेंगे youtube.com/BalajiVedVidyalaya, है ना, तो ही मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें जाकर के तरह तरह के वीडियोज, टिप्स एंड ट्रिक्स और ब्लॉग एंड वेबसाइट पे आप सर्च करके अपनी मनचाही आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, है ना। बहुत तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें उपलब्ध हैं और डेली 5-4 लाख हमारा पढ़ सकते हैं। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा क्योंकि पंचांग मेरा किसी आर्टिकल से भी ज़्यादा मजबूत होता है। ये है इस तरह का पंचांग, उसमें बहुत सारी चीज होते हैं। तो देखें, विजिट करें और प्लीज़ YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।